बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सलीम अली। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, टुडे वी आर आल्सो डिस्कसिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 5, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। दिस टॉपिक इज प्रेजेंट ऑन पेज 128 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो बेटा जी, ये भी नोट करना है और किताब के साथ भी थोड़ा सा चलना है, इसलिए ये मिला जुला सा होगा। तो आपने इसकी तरतीब बना लेनी है, इसके नोट्स खुद बना लेने हैं, ठीक है ना जी। मेरा दिया हुआ लेक्चर और किताब से जो मैं कहूँगा नोट करें, वो वाला मिला के आपने एक नोट्स बना लेने हैं और उन नोट्स को आपने इस पेज पे स्टेपल कर लेना है जी। शुरू करते हैं एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बेटा ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से आएगा, कैलकुलेट ड्राइव फाइंड डिटरमन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। तो बेटा जी टोटल एनर्जी, पहला हेडिंग आपका क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी जिसको हम en से रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, काइनेटिक एनर्जी ई काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ई पोटेंशियल। यानी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो दो एनर्जीज का सम होगी, एक उसकी पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए ई एन इज इक्वल टू ई पोटेंशियल प्लस ई काइनेटिक, ई पोटेंशियल प्लस ई काइनेटिक। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और इधर इक्वेशन नंबर 2 बाद में आपको बताऊंगा जी। डिटरमिनेशन ऑफ ई पोटेंशियल, यानी अब स्टेप बाय स्टेप, पहले हम ई पोटेंशियल निकालेंगे फिर ई काइनेटिक निकालेंगे। डिटरमिनेशन ऑफ ई पोटेंशियल, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें ऑफ चार्ज ई माइनस, जिसका चार्ज क्या है ई माइनस इज ब्रॉड फ्रॉम इंफिनिटी, जिसको इंफिनिटी से लाया गया है टू एन nth ऑर्बिट, एक nth ऑर्बिट पे, ये nth ऑर्बिट है, इसका n नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। और उसका रेडियस आर एन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड ई प्लस। इलेक्ट्रॉन जो है बेटा जी इन्फिनिट से इस एन आर एन फासले पर आ गया है, ठीक हो गया नहीं, कितने फासले पर आ गया है, आर एन को यहां पे हमने ना आर के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो न्यूक्लियस से आर फासले पर ये एंथ ऑर्बिट है, वहां तक हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिट से लेके इस पॉइंट तक लेके आए हैं। और ये पॉइंट क्या है, ये न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर मौजूद है, ठीक हो गया ना जी। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कवर करते हुए आया है, वो है डी आर, ठीक हो गया। तो एज शोन इन द फिगर द्वारा से, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई माइनस इज ब्रॉड फ्रॉम इंफिनिटी टू एन nth ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड ई प्लस एज शोन इन द फिगर बाय कवरिंग डिस्टेंस डी आर। इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करके आया है, डी आर डिस्टेंस कवर। द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ई जो है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज एज कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। ये आर स्केयर क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम न्यूक्लियस, जिस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिट से लेके आया गया है, डी आर डिस्टेंस उसने कवर किया है इन्फिनिट से आके यहां तक आने में। द वर्क डन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, इन्फिनिटी से इस आर पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई काम किया गया है जी, है वो काम कितना है, इज फ्रॉम न्यूक्लियस इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स तो हो गया एफ ई, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गया डी आर, क्योंकि ये फासला कवर करवाया गया है, ठीक हो गया ना जी। अब एफ ई जो है वो हम सबको पता है, हमने पीछे भी कह लिया फोर्स किसके बराबर है, जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डिस्टेंस डी आर। तो बड़े हमने इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की वैल्यू पुट की है, तो जेड ई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू डी आर बाय इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन लगाते हुए दी अबव एक्सप्रेशन, इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन के ऊपर इंटीग्रेशन लगाई गई, तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ गया इंफिनिटी से आर तक, जितना वर्क किया गया है वो सारा कैलकुलेट करने के लिए जो है जेड स्केयर डी आर ओवर आर स्केयर, क्योंकि इसमें देखिए जी जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है, याद रखें वेयर जी इज द एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ इन द एटम,
ठीक है ना जी। ऑफ एंड ऑफ एटम, वो एटम का क्या है, एटॉमिक नंबर है जी। तो बेटा जी ये जी भी कांस्टेंट है, ई क्या है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है, फोर की वैल्यू भी कांस्टेंट, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, आर के। अब इसमें क्या क्या बदल सकते हैं, डी आर बदल सकता है और आर बदल सकता है, तो इसलिए सिर्फ उनकी इंटीग्रेशन करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो डी आर ओवर आर स्केयर की इंटीग्रेशन करने के बाद ये फार्मूला बेटा इंटीग्रेशन का, जब आप सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा, बायोलॉजी वाले याद कर ले, ठीक हो गया ना जी। तो डी आर ओवर आर स्केयर इंटीग्रेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, आफ्टर इंटीग्रेशन माइनस वन बाई आर। अब माइनस वन बाई आर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्स्टेंट से, तो माइनस देखिए ये तो वन है ना, इसलिए माइनस वन जब जेड स्केयर से करेगा तो माइनस जी स्केयर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर आर, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये वर्क कैलकुलेट हो गया, ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, आर जो कि आर एन के बराबर है जी। दिस वर्क डन इज पोटेंशियल, इसी वर्क को हम क्या कहेंगे, दिस वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी, ई पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस आर, इस डिस्टेंस आर पे फ्रॉम द न्यूक्लियस जो है, तो ई पोटेंशियल, अब यही वर्क क्या बन जाएगा, यही वर्क ई पोटेंशियल माइनस जेड डी स्क्वायर ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मैंने इसको इक्वेशन टू कह दिया है। बड़े जी अब आपकी किताब की बारी आ गई है, वाई ई पोटेंशियल इज गिवन नेगेटिव साइन। आप अपनी किताब के पेज 128 को देखें तो उसका जो आखिरी पैराग्राफ है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, वहां पे आपने ये हेडिंग बना लेना है, वाई ई पोटेंशियल इज गिवन नेगेटिव साइन। ये नोट्स में शामिल करने की जरूरत नहीं है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है जी कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर तो आपको ये शामिल करना है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पैराग्राफ शामिल करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात। चलिए तो द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है ना जी। जरा एक छोटी सी बात देखें, मेरा यहां से सवाल है, इन्फिनिट बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, एफ ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। ई पोटेंशियल हमने कहा कि फोर्स इनटू डिस्टेंस डी आर है, जब फोर्स जीरो हो जाएगी तो डी आर क्या हो जाएगा, ई पोटेंशियल एट इन्फिनिट किसके बराबर हो जाएगा, जीरो जाउल के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो जाउल के। समझ आ गई बात। तो इन्फिनिट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। अब जरा वापस आ जाते हैं इस पॉइंट पर, आ गए यहां पे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ई पोटेंशियल एट आर, यानी आर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस पे कितनी होगी, भाई एक दफा फिर फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक हो गया। अब फोर्स क्या है, जेड स्क्वायर ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है जी, आर स्क्वायर, ये आर है। तो जब हम इस आर को स्केयर को कैंसिल करेंगे तो ई पोटेंशियल जो है वो क्या हो गई है, जेड स्केयर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गई है। अब जरा याद रखिए, दो पोटेंशियल एनर्जीज मैंने आपके सामने रफ वर्क में बनाई है, एक पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे जो जीरो जाउल है, और ई पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस जो कि जेड स्केयर ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, ठीक हो गया ना जी। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, शाबाश बताएं, डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। सर जी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, जरा इस फार्मूला को गौर से देख लें, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नजर आ रहा है कि ई पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो इसका मतलब है इन्फिनिट पे ज्यादा होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम है जीरो लेकिन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, ये बड़ी बात है। जीरो जाओ क्या जीरो मैक्सिमम नहीं हो सकता, आप मेरे मुंह की तरह देख रहे हैं भाई, जीरो मैक्सिमम हो सकता है, माइनस वन बड़ा है जीरो से या छोटा, छोटा है, तो फिर जीरो क्या हो गया, मैक्सिमम, माइनस वन से बड़ा हो गया माइनस टू, ठीक है ना जी, और छोटा हो गया माइनस वन से और जीरो से भी, तो भाई जीरो मैक्सिमम। तो अब यहां पे फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है जो हमने ई पोटेंशियल आर कैलकुलेट की है आर डिस्टेंस पे, इसको क्या होना चाहिए, लोअर
देन जीरो जाउल, इसको जीरो जाउल से कम होना चाहिए, लोअर देन जीरो जाउल, इसको जीरो जाउल से कम होना चाहिए, लोअर देन जीरो जाउल, ठीक हो गया ना जी। यानी इस ई पोटेंशियल को जो कि आर डिस्टेंस पे है, इसको इन्फिनिट वाली पोटेंशियल एनर्जी से कम होना चाहिए, क्योंकि ई पोटेंशियल बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ठीक हो गया ना, और ये डिस्टेंस स्मॉलर है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए और जीरो से कम होनी चाहिए। कोई भी वैल्यू जीरो से जो कम होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। देयरफॉर ई पोटेंशियल एट आर, ठीक है ना जी, शुड बी, उसको क्या होना चाहिए, शुड बी जीरो, और सॉरी नेगेटिव, उसको क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, शुड बी नेगेटिव। ई पोटेंशियल, ठीक है ना जी, ई पोटेंशियल एट आर शुड बी नेगेटिव, उसको फिर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, शुड बी नेगेटिव। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको जरा ये रफ वर्क, ये सारे का सारा बेटा जी मैंने क्या समझाया है, रफ वर्क इस चार्ट क्वेश्चन का। अब आपकी किताब में यही बातें लिखी हुई हैं, द माइनस साइन इंडिकेट दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि जो है वो डिस्टेंस कम हो गया ना, पोटेंशियल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के, इसलिए कम होती जाती है। तो एट इन्फिनिटी द इलेक्ट्रॉन इज नॉट बीइंग अट्रैक्टेड, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, जीरो है। जब हम जीरो की वैल्यू को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो एनी थिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, वेयर एज एट ए पॉइंट नियर द न्यूक्लियस, एट अ पॉइंट नियर द न्यूक्लियस, जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया जो कि आर डिस्टेंस पे है, ठीक हो गया ना जी। तो नियर द न्यूक्लियस इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होगी, कोई ना कोई उसकी वैल्यू जरूर होगी, ठीक हो गया ना जी। लेकिन अब डिस्टेंस स्मॉलर है, तो इट इज, इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड पोटेंशियल एनर्जी नेवर बिकम्स, विल बिकम्स लेस देन जीरो, और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए और जीरो से कम होनी चाहिए क्योंकि डिस्टेंस स्मॉलर है। तो द क्वांटिटी लेस देन जीरो इज नेगेटिव, फॉर दिस रीजन द पोटेंशियल एनर्जी given by the equation, ठीक है ना, by the equation is negative, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव साइन देते हैं। तो इसलिए हम इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या साइन लगा देते हैं, नेगेटिव का जी। तो अब बेटा जी ये रफ वर्क करने के बाद आ जाए काम की तरफ वापस। अगला स्टेप जो है ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया है जी, डिटर्मिनेशन ऑफ ई काइनेटिक। बेटा जब मैं साथ साथ आपने नोट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर होगी, 1/2 mv2। यानी ई काइनेटिक किसके बराबर हो गया, 1 a, ठीक है ना जी। ये नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं अगले कर लेता हूं जी। ई काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी ई काइनेटिक इज इक्वल टू 1/2 mv2। अब आप मुझे ये बताएं इसमें m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना जी। तो हम टू रिमूव v फैक्टर फ्रॉम अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन से फैक्टर को रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना जी। हम बेटा जी क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू वी, ठीक है ना जी, हमें पता है, ये मैं साइन डाल लेता हूं, इसको कहते थे एज वी नो एफ ई इज इक्वल टू एफ सी जेड स्क्वायर ओवर 4πε0 आर स्केयर इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। पता है आपको एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ सी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा ये आर से ये आर स्केयर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब जरा देखिए, अब मैं जरा इसको इस तरह से लिख रहा हूं, एम वी स्केयर इज इक्वल टू जेड स्केयर 4πε0 आर।
अगर मैं इधर भी 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दू, 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर, 1 बाई 2 मल्टीपल, 1 बाई 2 मल्टीपल जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये जरा वाजिया कर दू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक हो गया जी। तो 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर ओवर, जेड स्क्वायर ओवर 4 मल्टीपल टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक हो गया। तो इट मींस ई काइनेटिक अब किसके बराबर हो गया, जेड स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बन गई हमारी इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री। इस तरह से हमने जो है उस इलेक्ट्रॉन की क्या कैलकुलेट कर ली है, अब काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली है। क्या कैलकुलेट कर ली है, काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली है जी। तो अब बेटा जी दोबारा से हम पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ई काइनेटिक, ठीक है ना जी, फिर आपने हेडिंग यही बनाना है, मैं ये सारा रेज कर देता हूं ताकि आप परेशान ना हो। अब हेडिंग फिर आप क्या बनाएंगे, कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन ऑफ ई एन, डिटर्मिनेशन ऑफ ई एन, ठीक है ना जी। ई एन इज इक्वल टू, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन, ई एन इज इक्वल टू ई पोटेंशियल प्लस ई काइनेटिक, ठीक हो गया। तो अब पुटिंग वैल्यूज ऑफ ई पोटेंशियल फ्रॉम इक्वेशन टू एंड ई काइनेटिक, एंड ई काइनेटिक फ्रॉम इक्वेशन थ्री, वो भी हम निकाल के आते हैं। तो ई एन इज इक्वल टू ई पोटेंशियल माइनस जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ई काइनेटिक क्या है जी, जेड स्क्वायर, आप देख सकते हैं इक्वेशन थ्री में लिखा हुआ है जेड स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक हो गया। तो अब बेटा जी इसमें ई एन इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक हो गया, ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कॉमन है, ठीक हो गया जी। और इधर क्या बच गया जी, 1 बाई 1, देखें 1 बाई 4 में से 1 बाई 1, और ये सॉरी साथ माइनस भी आना है, -1 प्लस 1 बाई 2 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें, इधर से -1 कॉमन हो गया, ये देखें ये कॉमन है, जेड जी ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ई एन इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। तो बेटा जी -1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2, तो मैं हर स्टेप कर रहा हूं, कोई स्टेप आपके लिए छोड़ नहीं रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ई एन इज इक्वल टू जी स्क्वायर जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। तो एलसीएम ले लिया जी, तो 2 आ गया, -2 ऊपर चला गया, +1 इधर आ गया, इसको सॉल्व किया तो ई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक हो गया ना जी। आर और आर किसके अब मल्टीपल हो रहा है जी, -1 बाई 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या आ जाता है, ई एन इज इक्वल टू जेड माइनस जी ई स्क्वायर माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया, 2 को 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये बेटा जी हमारे पास रिलेशन आ गया, इसको मैं कहूंगा इक्वेशन 4।
देखें माइनस वन इधर मल्टीप्लाई कर गया और टू फोर के साथ मल्टीप्लाई कर गया, तो अब हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया है। ठीक है ना जी, इसमें हमें रेडियस का आर एज वी नो दैट आर हमने क्या लिया था, आर एन। ठीक है जी, और आर एन किसके बराबर है वो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, जब रेडियस ऑफ जो है वो कैलकुलेट किया था, तो आर इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू क्या आया था, एन जो है वो एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट एच स्केयर और जी सॉरी एन स्केयर एप्सिलॉन नॉट एच स्केयर एच है ये और एन स्केयर डिवाइडेड बाय क्या आया था जी जो है पाई एम जी ई स्केयर पाई एम जी ई स्केयर ये आर एन था। तो बेटा जी इसका मतलब है कि अब हम आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर यानी आर एन इंटू इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर में पुट कर दें, ई एन इज इक्वल टू माइनस जी ई स्केयर ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे आ जाए देख लें, मैंने यहां पे सिर्फ आर नहीं लिखा, बाकी सारा कुछ वही लिखा है। ठीक है ना जी, आर की जगह पे अब हमने वैल्यू पुट करने लगे हैं, किसकी जगह पे, आर की जगह पे बेटा जी। जी आर इज इक्वल टू आर किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट एच स्केयर एन स्केयर डिवाइडेड बाई क्या है ये एन स्केयर डिवाइड बाई पाई एम जी ई स्केयर, ये z है कहीं टू ना लिख लीजिएगा, ये z है। तो बेटा जी अब सॉरी यहां पे एट आना था फोर की जगह पे, मेरी गलती थी दो जी। अब मैंने r की वैल्यू यहां पे देखें पुट कर दी है, तो बेटा फिर एक दफा थोड़ी सी हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है, पाई से ये पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया, और कोई चीज कैंसिल होती है नहीं। तो अब माइनस जी ई स्केयर ओवर एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करेगा, एट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा, और क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी एच स्केयर, ठीक है भैया ना जी, एच स्केयर और एन स्केयर, जबकि ये जेड एम ई स्केयर किधर चले जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, ये ऊपर चले गए एम जी ई स्केयर। तो इसको फिर सॉल्व कर लें, ई एन इज इक्वल टू माइनस जी के साथ जी मल्टीप्लाई करेगा स्केयर हो जाएगा, एम एम आ गया ई के साथ ई स्केयर मल्टीप्लाई करेगा माइनस जी स्केयर एम ई फोर ओवर एट एप्सिलॉन नॉट स्केयर एच स्केयर और एन स्केयर। तो बेटा जी फाइनली हमने इक्वेशन सिक्स निकाल ली है, ये इक्वेशन सिक्स जो है ये हमारे सवाल का जवाब है, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन या कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। बस आपको उस एटम का क्या पता होना चाहिए, रेडियस उस एटम का एटॉमिक नंबर और जिस ऑर्बिट का आप मालूम करना चाहते हैं। देखें फैक्टर्स कौन से, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इसका पावर 4 है डिवाइड बाय 8 कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड एच स्केयर। ठीक है, ये सारे क्या है, ये फैक्टर सारे कॉन्स्टेंट है, इज आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू है कितनी, इसकी वैल्यू है जी, इसकी वैल्यू है टू माइनस टू पॉइंट, चले हम इसको माइनस यहां पर लगा देते हैं, माइनस 2.178 into 10 power minus 18 joule per atom, ये एक एटम के लिए है, ठीक हो गया ना जी, joule per atom। तो अब इस वैल्यू को अगर हम यहां पर पुट कर दें तो EN is equal to minus 2.178 into 10 power minus 18, बाकी देखें Z यहां पे मौजूद नहीं है और N square, Z स्केयर ओवर एन स्केयर ये मल्टीप्लाई जाउल पर एटम,
ये मैं बार बार लिख रहा हूं कि ये एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में एनर्जी होगी। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 7। बेटा जी इसी को टू हम इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, किलो जौल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया ना जी, किसमें, किलो जौल में। जौल को किलो जौल में कन्वर्ट करना हो तो भाई जौल क्या है, छोटा है, उसको किलो जौल में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करेंगे, ऐसे ही है ना जी, तो 10^-3 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अब जरा थोड़ी सी बात को इस तरह से समझ लें तो फिर मैं आपको बेटा जी करवाता हूं आगे के सर, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है बेटा, ये इसी तरह से ही कवर होनी है। अच्छा जी, ये पूरा टॉपिक एक ही स्टेप में चलेगा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोल एटम्स, एक मोल एटम्स में एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना जी, जिसे हमने ई एन कह दिया है लेकिन एक मोल एटम्स में, तो बेटा जी फिर ई एन इज इक्वल टू -2.178 × 10^-18 × 6.02 × 10^23, क्या आ गया है 23। और ये अब जगह भी मेरे पास थोड़ी रह गई है तो शायद आपको नजर भी ना आ रहा हो, इसको दोबारा से लिखते हैं, दोबारा से जी। तो क्या हमने किया है, En इज इक्वल टू -2.178 × 10^-18 × 6.02 × 10^23 23। और इसको मल्टीप्लाई हमने किससे किया हुआ है, z/n^2, ठीक है, पहले ये था जौल पर एटम, अब हमने एक मोल से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये अब बन जाएगी En इज इक्वल, इसको बड़े डिवाइड कर लेना अगर हम 1000 से, तो ठीक है ना जी, तो इन किलो जौल, यहां पे हम लिख देते हैं इन किलो जौल पर मोल, तो वो किलो जौल पर मोल में क्या होगी, तो फिर हमें इसको देखें जौल को किलो जौल में तब्दील करें, 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वो बन जाती है -13.315, ठीक हो गया। और इधर ये किताब से थोड़ा सा डिफरेंट है, z/n^2 किलो जौल पर मोल। अब एक मोल एटम्स के अंदर, उस एलिमेंट के एक मोल एटम्स के अंदर जो है वो हम उसके एक मोल एटम्स के अंदर किसी एक ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में होगा तो एन की वैल्यू 1 लगा देंगे, दूसरा ऑर्बिट होगा तो तीसरे में लगा देंगे। तो ये बेटा जी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये 8। तो फ्रॉम इक्वेशन कंक्लूजन, हम अपने लिखना है टॉपिक का कंक्लूजन, ठीक है ना जी, फ्रॉम इक्वेशन 7, बल्कि आप ऐसे कर लें 6, 7 and 8 वी कैन कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कर सकते हैं द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर जी, एटॉमिक नंबर जी, यानी एटम बदलेगा तो तब भी एनर्जी बदलेगी। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, अल्लाह ताला हम सब कामिन आसर हो, आमीन, शुक्रिया।